तो कहानी की शुरुआत यूनिवर्स 7 में एक अनजान प्लेनेट से होती है, जहां एक अनजान और एक नया डायमेंशन दिखाया जाता है, जहां उस डायमेंशन का एक अपना टाइम चेंबर होता है। और उस टाइम चेंबर में फ्रीजा को ब्लैक फ्रीजा फॉर्म के साथ दिखाया जाता है, जहां फ्रीजा ये सारी चीजें अपनी सोच में याद कर रहा होता है, जहां असलियत में फ्रीजा अपनी सिप पर अपनी ट्रेनिंग चेंबर में ट्रेनिंग करने के बाद ये सोच रहा होता है कि मैंने उन बंदरों से दोबारा सबसे पावरफुल बनने के लिए अपनी इस नई फॉर्म को जगा तो लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। जहां अब कहानी बीरस के प्लेनेट पर जाती है, जहां गोकू विस के साथ अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है और विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां गोकू थोड़ा बहुत ही सही लेकिन विस के आगे टिका होता है, जहां वो एकदम ही लड़ने के बाद एक जगह पे खड़ा हो जाता है और वहां हांफता हुआ खड़ा होता है, जहां विस उसे देखता हुआ कहता है कि गोकू तुमने अपने अंदर के नेचुरल पावर को थोड़ा जानकर जगा तो लिया है, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि इसे हम एक पूरी फॉर्म कह सकते हैं जो कि तुम्हारे नेचर से मिलती हो। ये फॉर्म सेयंस की कुछ पावर और ट्रिक का झलक तो दिखाती है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे प्योर ट्रू फॉर्म कह सको। तुमने अभी तक ये तो समझ लिया है कि हम एंजल किस तरह अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम ये अभी भी ये नहीं जान पाए हो कि तुम्हारा शरीर किस तरीके से उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के पूरे पोटेंशियल के काबिल बन सकता है। जहां वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां बीरस लगातार वेजिटा को मार रहा होता है और वेजिटा लगातार मार खाते हुए एक पावरफुल वार बीरस पे करता है, जहां बीरस उस मार को खाने के बाद बीरस गुस्से में वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है और इस चीज को समझता है कि मैंने अभी तक वेजिटा पर जितने भी वार किए थे, वेजिटा उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके दोबारा मुझ पे ये वार करा है। जहां अब बीरस एकदम गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल ऑरा से भरा पंच वेजिटा को मारता है, जिसे खाके वेजिटा सीधे पीछे जाके गिरता है और वहीं एक चट्टान से टकराकर वहीं पर अपना होश होकर बैठ जाता है, जहां अब बीरस एकदम ही उसके सामने आके खड़ा होता है और वेजिटा थोड़ा होश में आकर बीरस को देखता है, जहां वेजिटा ये सोचने लगता है कि मेरे इस पावरफुल अटैक के खाने के बाद भी मैंने वो पावर अपने अंदर स्टोर क्यों नहीं की। मैं उससे घायल हुआ लेकिन मैं उसे अपनी डिस्ट्रक्शन पावर में बदल नहीं पाया। अब वही बीरस वेजिटा के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी लड़ाई ऐसे ही मार खाते हुए जीतते हैं? क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने ओपोनेंट की पावर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं? अगर तुम ऐसा सोच के अपनी पावर को इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या तुमने कभी ये देखा है कि मैं किसी प्लेनेट को खत्म करने से पहले अपनी पावर में डिस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए किसी से मार खाता हूँ? क्या तुमने कभी मुझे ऐसा करते हुए देखा है? अब बीरस फिर कहता है कि वेजिटा मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें डिस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने के लिए अपनी पावर्स को अपनी सोच की मदद से तबाही की सोच में बदलना पड़ता है, जहां तुम्हें सिर्फ यही सोचना होता है कि जो भी तुम खत्म करना चाहते हो तो उसे पूरी तरह से खत्म करने का इरादा भी रखो और उसे पूरी तरह से उसी इरादे के साथ खत्म कर दो। और वैसे जो तुम करते हो, दूसरों से मार खाकर अपनी पावर का इस्तेमाल करना, जैसे तुम गैस से लड़ते वक्त भी कर रहे थे, तो अगर तुम उसे डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करना कहते हो और उस तरह लड़ते हो तो वो तुम किसी से मार खाने के बाद अपने अंदर बना रहे हो, तो वो कोई तुम्हारी डिस्ट्रक्शन की पावर नहीं है और ना ही तुम उन पावर से किसी को हरा सकते हो। और तुमने अगर ऐसा सोच लिया है तो तुमने ये गलत सोचा है कि डिस्ट्रक्शन पावर को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है या पाया जाता है। तो मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि हम यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पावर का इस्तेमाल जो करते हैं वो हम सामने वाले की ही पावर से लेते हैं, लेकिन बिना उससे मार खाए हम अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए नेचर से सीधा ये पावर्स लेते हैं और उसे अपनी ही सोच से अपने इरादे से एक डिस्ट्रक्शन पावर में बदल देते हैं, जहां ये कभी खत्म नहीं होती है। अब वेजिटा घायल अपने हाथ को पकड़े हुए होता है और बीरस से कहता है कि लेकिन आप तो एक गॉड हो और मैं एक मोटल, जहां आप नेचर से आसानी से पावर ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए ऐसा कहना शायद ही मुमकिन है। अब बीरस मुस्कुराते हुए वेजिटा से कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा साथी एक ऐसा बेवकूफ है जो इसी तरह की पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिस ट्रिक को तुम सबने स्प्रिट बॉम्ब का नाम दिया है, जो कि मेरी पावर्स के सामने तो बहुत कम है लेकिन मेरी पावर्स जैसा ही कुछ है। अब वेजिटा चौंक कर बीरस को देख रहा होता है और फिर कहता है कि तो उसे ही डिस्ट्रक्शन पावर को स्टोर करना कहते हैं। अब जैसे ही वेजिटा ये कहता है, वहीं तुरंत बीरस वेजिटा के सिर पर एक पंच मारता है और कहता है कि उस बेवकूफ के साथ थोड़ा अब कम रहा करो, अभी मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें किसी से पावर्स को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसे स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, हम सीधा उस पावर्स को कभी भी किसी समय अपनी पावर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनंत है। अगर
अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो ये पावर सभी उन जिंदा चीजों से ली जा सकती है जैसे कि सभी ग्रह, क्योंकि ये यूनिवर्स की पावर ही हमें गॉड बनाती है। अब वही मॉर्टल वाली बकवास यहाँ दोबारा मत करना, क्योंकि अब तुम मेरे शागिर्द हो और मैंने तुम्हें वो बाली फैशन के लिए नहीं दी है, वो मैंने तुम्हें दी ही इसलिए है कि तुम मेरी तरह ही अपनी पावर्स को डिस्ट्रक्शन में बदल कर इस्तेमाल कर पाओ। और उस इयर रिंग का एक दूसरा मतलब भी है, लेकिन वो अभी बताने का समय नहीं आया है। अब तुम यहाँ एक मॉर्टल होने के कारण थोड़े कच्चे तो हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम एक ऐसी जाति से हो जिसे वॉरियर्स का रेस भी कहा जाता है, और इस नाम को तुम सेयंस के लिए ऐसे ही नहीं रखा गया है। तुम्हें वॉरियर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि तुम्हारा शरीर और ताकत हमेशा जरूरत के साथ बढ़ती रहती है, ताकि तुम हर तरह की पावर से लड़ सको। और वेजिटा, तुमने हाल ही में उस बूढ़े मोनाइटो और उस गैस से एक सेयन के बारे में सुना ही है ना, जो कि उस बेवकूफ गोकू का पिता है जिसका नाम शायद से बारडॉक है। वेजिटा वहाँ कहता है कि हाँ, वो कैकरोट के ही पिता है जिसके बारे में मैंने बहुत सी नई चीजें उन दोनों से जानी थी, लेकिन अब उसका क्या। अब बीरस थोड़ा सीरियस होता है और बताने लगता है कि तुमने उसकी पावर्स के बारे में सुना ही होगा, जहाँ उसी ने तुम सेयंस को, तुम्हारी सेयंस की ओजारू फॉर्म को इस्तेमाल करना सही से सिखाया था। अब वेजिटा यहाँ कहता है कि हाँ, वो ट्रिक बारडॉक की ही थी। फिर बीरस कहता है कि हाँ, तो वो शायद तुम्हारी। अब बीरस ऐसा कह ही रहा होता है कि वहाँ पर विस गोकू के साथ आ चुका होता है, जहाँ विस बीरस को रोकता हुआ उससे कहता है कि लॉर्ड बीरस, अभी ये बताने का समय नहीं आया है। जहाँ गोकू भी उनकी बातों को सुनता हुआ कहता है कि क्या, कौन सी ट्रिक, क्या वेजिटा कोई नई ट्रिक जान गया है, और अगर वो सीख गया है तो मैं उसे तब भी सरपास कर दूंगा। जहाँ अब विस दोनों को ट्रेनिंग कराने के लिए एक साथ लाता है, जहाँ विस दोनों को पूरा हील कर देता है और गोकू और वेजिटा को एक जगह करता है और उन दोनों को अपना पूरा पावर अप दिखाने को कहता है। जहाँ विस ये जानना चाह रहा होता है कि इनकी पावर्स आखिर किस स्तर पर पहुंची है, क्या ये दोनों अब उस लेवल पर पहुंचे हैं। जहाँ अब गोकू और वेजिटा एक बहुत तेज पावर अप करते हैं और अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में बदल जाते हैं, जहाँ वो पूरी तेजी से पावर अप कर रहे होते हैं। जहाँ गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की साइन फॉर्म में होता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। जहाँ अब विस उन्हें शांत करता है और नॉर्मल फॉर्म में आने को कहता है, जहाँ वो दोनों शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। जहाँ अब विस उनसे कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी पावर्स पर बहुत काम करना है, क्योंकि तुम्हारी पावर सिर्फ अभी बह रही है, वो अभी तुम्हारी सोच से नहीं चल रही है, और वो पावर्स अभी इस तरह की भी नहीं है कि तुम दोनों मिलके भी लॉर्ड बीरस के 20% के हिस्से को भी हरा सको। अब यहाँ वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने तो अभी इनके चेहरे पर एक जोरदार पंच दी है। जहाँ बीरस मुस्कुराते हुए कहता है कि ओए वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी पावर्स पर लड़ रहा था और किस सोच के साथ लड़ रहा था? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी डिस्ट्रक्शन वाली सोच में लड़ूं? अगर तुम्हें मेरी पावर्स का हिस्सा देखना है तो मैं अभी तुम्हें वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। अब वेजिटा यहाँ घबरा जाता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया कि मैं अभी कितना कमजोर हूँ और मुझे अभी अपनी पावर्स पर कितना काम करना है। जहाँ बीरस अब वेजिटा को अपनी पावर्स पर ध्यान देने के लिए कहकर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। जहाँ विस भी उन दोनों से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल पाने के लिए अपनी बेस फॉर्म को ही पहले सबसे पावरफुल करना होगा, जहाँ तुम्हें अपनी पावर्स को सही से उसमें ही सीखना होगा। जहाँ अब एकदम ही विस से गोकू कहता है कि हे विस, क्या हम किसी को यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं? क्या हम यहाँ ब्रोली को ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं? अब विस भी गोकू से कहता है कि हाँ, वो ठीक रहेगा, उससे वेजिटा की भी ट्रेनिंग में मदद हो जाएगी, क्योंकि उसकी पावर्स लॉर्ड बीरस से काफी मेल खाती है। और गोकू, तुम्हारे लिए मैं उसे उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाऊंगा, ताकि वो तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद कर सके। और गोकू, उस समय ध्यान देना कि उसकी पावर्स, उसका ऑरा किस तरह काम करता है, क्योंकि वो ही अभी ऐसा है जो कि पूरी तरह से प्योर सेयन पावर का इस्तेमाल करता है, तो उस पे सही से ध्यान देना। अब विस ब्रोली और उसके साथियों को वहाँ ले आता है और वो सब अब आपस में मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही पूरी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ अब उसी बीच अर्थ पर गोहान अपनी नई फॉर्म को जगा लेता है, जिसका नाम फाइनल गोहान होता है, और वो सेल मैक्स को हरा देता है। जहाँ इसका पता विस को और बाकी सभी को लगता है। जहाँ गोकू वेजिटा हैरान होकर विस से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या गोहान की ये नई फॉर्म उसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाती है। जहाँ विस अब स्माइल करते हुए कहता है कि शायद से हाँ, लेकिन अब ऐसा कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल होगा। जहाँ गोकू वेजिटा ये सुनके बिल्कुल हैरान होते हैं। जहाँ अब वहाँ पर एकदम ही बीरस आकर खड़ा हो जाता है और गोकू और वेजिटा से कहता है कि चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग में अब मैं भी मदद कर देता हूँ। जहाँ वो मन में कहता है कि क्योंकि अब समय कम बचा है। जहाँ बीरस अब उनसे कहता है कि लेकिन अगर तुम्हें मेरे सामने टिकना है तो अपनी उस पावरफुल फॉर्म में आना, उस गोजिटा वाली, ताकि थोड़ी देर ही सही लेकिन मेरे आगे टिक तो सको। जहाँ अब एकदम
ही विस कहता है कि तो चलो इसी बात पर कुछ नया ट्राई करते हैं, ब्रोली और गोकू का यहाँ फ्यूजन कैसा रहेगा ताकि वो अच्छे से आपके सामने टिक सके लॉर्ड बीरस। और वेजिटा को अपनी पावर्स पर ध्यान देना है तो उसकी जगह ब्रोली ठीक रहेगा। जहाँ वेजिटा भी अब चिढ़ा हुआ चेहरा बना के कहता है कि हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है उस कैकरोट के साथ फ्यूज होने का। जहाँ अब विस कहता है कि हाँ तो ये ठीक रहेगा क्योंकि गोकू ब्रोली की इकारी पावर्स को भी जानना चाहता है और ब्रोली को भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना है। तो हो जाए डिस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव। अब यहीं पर कहानी एक अनजान स्पेस में जाती है जहां फ्रीजा किसी बड़ी तेजी से ट्रेवल कर रही होती है। जहां सिप में से फ्रीजा कह रहा होता है कि लगता है उसकी भी पावरफुल फॉर्म जाग चुकी है। आखिर फ्रीजा यहाँ किसकी बात कर रहा है, आखिर किसकी पावरफुल फॉर्म आखिर जाग चुकी है और क्या अगले चैप्टर में हमें ब्रोली और गोकू की एक पावरफुल फॉर्म देखने के लिए मिलेगी, क्या वो फॉर्म लॉर्ड बीरस के सामने टिक पाएगी और क्या आखिर वेजिटा असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को समझ पाएगा और अब ब्लैक फ्रीजा के अलावा आखिर कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहलाने के लायक है। तो ड्रैगन बॉल अल्ट्रा का एपिसोड 1 यही खत्म होता है। तो इस एपिसोड में तुमने बहुत सी चीजें जानी होगी कि कैसे डिस्ट्रक्शन की पावर काम करती है, क्या गोकू कभी इकारी पावर को इस्तेमाल कर पाएगा, वो चीजें तो तुम्हें आगे चैप्टर में पक्का पता चलेगी जिसे जानने में तुम्हें पक्का मजा आने वाला है। और दूसरा चैप्टर कई सारी घमासान फाइट और कई राजों से खुलने वाला है। तो इसलिए अगर तुम्हें ये मेरी बनाई हुई मांगा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के एपिसोड भी जल्द ही तुम देख सको। और देखो अगर मांगा के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हो और मुझे डायरेक्टली अपनी थ्योरीज या चीजें बताना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हो और चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे DM भी कर सकते हो। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें इन मांगा के रिलेटेड कई सारी चीजें पता चल जाएगी और मेरे बारे में भी तुम काफी जान पाओगे। तो ड्रैगन बॉल अल्ट्रा का एपिसोड 2 मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा, बस इस वीडियो को पूरा सपोर्ट देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।